हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है लिविंग टुडे ब्लॉग्स और मेरा नाम है निवेदिता। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और अपना बहुत ज़्यादा वाला ध्यान रखें। मैं भी अच्छी हूँ और इतने टाइम बाद मैं आप सभी के साथ में एक ऐसी वीडियो शेयर करने जा रही हूँ ना जिससे आप सबको बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है। और जैसे ही मुझे कुछ चीज़ें पता चलती हैं कि अब मुझे इसका मौका मिला कि मैं आप सभी तक पहुँचाऊँ, तो मैं तुरंत आ जाती हूँ। क्योंकि आप में से काफ़ी लोग मेरे से पूछते रहते हैं कि हम कौन सा वर्क करें, हम हाउसवाइफ हैं, लेडीज़ हैं, हम नहीं जा सकते बाहर काम करने के लिए, हमें घर देखना रहता है, तो कुछ हमें ऐसा काम बताइए, कुछ ऐसा बिजनेस बताइए जिससे हम घर बैठे बैठे भी कर सके। तो ये वीडियो आपके लिए है, वीडियो में बने रहिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिएगा। बहुत से लोग बिजनेस करना चाहते हैं जैसा कि मैंने बताया, लेकिन सही आइडिया ना होने के कारण या फिर पैसों की कमी होने के कारण वो अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाते हैं। पर आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपके साथ कम बजट में सारे ड्रेसेस जैसे कि सूट, साड़ी, किड्स वेयर, मेन्स वेयर, ब्राइडल, जो भी आप ड्रेसेस का बिजनेस करना चाहते हैं उसका आइडिया शेयर करने आई हूँ। इनफैक्ट ये आइडिया है सूरत के जाने माने क्लॉथ मैन्युफैक्चरर अजमेरा फैशन के फाउंडर श्री अजय अजमेरा जी का, जिनके बिजनेस सोच ने आज हजारों लोगों को एक सफल व्यापारी बनाया हुआ है। किसी भी चीज को करने के लिए और अच्छे से समझने के लिए क्वेश्चन आंसर्स बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं और मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चंस आ रहे होंगे, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया और आप सबके रिक्वेस्ट पे ही बनाया, बहुत दिन हो गए थे, ताकि आप सबकी ज्यादा से ज्यादा हेल्प हो पाए। देखिए, जब हम बिजनेस शुरू करते हैं ना तो हमारे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि हम बिजनेस कैसे शुरू करें, हमारे पास इतना बजट नहीं है, हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चंस। तो आपको मैं आज उन्हीं सारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगी। मोस्ट एडमायर मैन्युफैक्चर ऑफ विमेन अपीयरेंस इन गुजरात, बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट साड़ी, बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर इन सूरत फॉर क्वालिटी एंड सप्लायर, जैसे कि कई सारे अवार्ड्स जीत चुके श्री अजय अजमेरा जी लगभग 25 साल पहले सूरत में अपना काम करने के लिए आए थे। शुरुआत में उन्होंने कपड़ा बाजार में एज अ ब्रोकर काम किया था, बहुत ज्यादा उन्होंने हार्ड वर्क किया, उसके बाद उन्होंने कुछ पैसे इकट्ठा किए और उसके बाद फिर उन्होंने एक अपनी शॉप ओपन की। इसके बाद इन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आज ये सूरत के एक लीडिंग साड़ी मैन्युफैक्चरर बन चुके हैं। और अब इन्हें इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि सूरत के अंदर ये पहले ऐसे मैन्युफैक्चरर हाउस है जिसने डीलर और होलसेलर को जिस रेट में ड्रेसेस दिए हैं उसी रेट पर छोटे दुकानदारों, रिटेलर्स और बिजनेस शुरू करने वालों के चाहत को भी इन्होंने पूरा किया है, ड्रेसेस अवेलेबल कराना स्टार्ट किया उसी रेट में, ताकि खुद का बिजनेस लोग स्टार्ट कर सके और सेल्फ डिपेंडेंट बन सके। अच्छा, बहुत लोग के क्वेश्चंस ये भी होते हैं कि हम बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है तो फिर हम बिजनेस कैसे करें, हमें बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है। देखिए, हर काम जो है ना वो स्टार्ट छोटे से ही होता है, लेकिन आप अपने हार्ड वर्क की वजह से उस काम को बहुत ज्यादा आगे ले जा सकते हैं। आप कोई भी काम करें तो छोटे से ही शुरू करें, पर कुछ दिनों बाद वही काम आपका लाखों करोड़ों तक पहुंच जाता है। बस आपको जरूरत है हार्ड वर्क की और जुनून से काम करने की। और ये काम इतना इजी है ना कि आपको थोड़ी सी बस हिम्मत दिखाने की जरूरत होगी। मुझे पता है कि सब लोग डरते होंगे कि हम बिजनेस कैसे स्टार्ट करें, जैसा कि मैंने बताया काफी सारे क्वेश्चंस माइंड में आते हैं, लेकिन अगर हिम्मत है स्टार्ट करने की तो आपको आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता है। कुछ लोग का क्वेश्चन ये होता है कि हम साड़ी का बिजनेस करने के लिए हमें क्या करना होगा। तो साड़ी का बिजनेस करने के लिए आप किसी होलसेलर से या फिर मैन्युफैक्चरर से साड़ी या फिर कोई भी ड्रेस खरीद के लेके आते हैं और उसे रिटेल में बेचते हैं, तो इन सारे बिजनेस में आपको प्रॉफिट कमाने के लिए कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। कम से कम लागत में प्रोडक्ट उठाइए, प्रोडक्ट की क्वालिटी और डिजाइन का पूरा ध्यान रखिए और एक अच्छी मार्जिन के साथ अपने प्रोडक्ट को आप अपने कस्टमर को सेल कीजिए। सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि हम इन चीजों का ध्यान रखते हुए ये सारे ड्रेसेस कहाँ से खरीद सकते हैं। भारत में इसके लिए सूरत से कोई अच्छी जगह नहीं है, यहाँ पे इंडिया का सबसे बड़ा टेक्सटाइल मार्केट है, यहाँ पे आपको हर रेंज, हर क्वालिटी में आपको मन चाहिए बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। अगर आप मेंटली प्रिपेयर होते हैं कि आपको बिजनेस करना है तो आप अजमेरा फैशन से जुड़ सकते हैं। और कुछ क्वेश्चंस आते हैं लोगों के माइंड में कि क्या लेडीज वेयर हो गया या फिर साड़ी सूट जो भी हो गया, हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो क्या हमें शॉप ओपन करने की जरूरत है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप घर बैठे भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अजमेरा फैशन के साथ मिलकर के कई लोगों ने घर से बिजनेस स्टार्ट किया और बाद में अपनी दुकान खोली है। आप चाहे तो कुछ चीजें मंगा करके फुटपाथ पर लगाने वाले बाजार या फिर गांव में लगने वाले घाटों पर भी सेल करवा सकते हैं। कुछ लोगों को कमीशन बेसिस पे रख के डोर टू डोर भी करवा सकते हैं या फिर घर से रह करके भी, जैसे काफी सारी लेडीज भी थी, मैं खुद भी वहां पे विजिट कर चुकी हूँ, वहां से मैंने उनसे बात किया तो उन्होंने घर से ही अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। तो ये बेस्ट ऑप्शन है कि लेडीज घर से ही अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं। इनफैक्ट काफी लोग अपना एक्सपीरियंस भी बता रहे थे मुझे कि जब वो इधर उधर से लेते थे तो उनको काफी बैड एक्सपीरियंस होते थे, क्वालिटी इशू होती थी, लेकिन यूट्यूब के थ्रू उन लोगों ने वीडियो देखा और अजमेरा फैशन
को जाना और जो वहां पे पहुंचे वो तो बहुत ज्यादा ही सेटिस्फाइड हुए। कुछ लोग का क्वेश्चन ये भी होता है कि मैंने या मेरे परिवार में किसी ने बिजनेस नहीं किया है तो क्या मैं कर सकती हूँ, थोड़ा सा डरते हैं कि वर्क एक्सपीरियंस नहीं है हमारे पास। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि इसके लिए कोई भी वर्क एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, आप किसी एक्सपीरियंस के बिना भी स्टार्ट कर सकते हैं। बिजनेस करने के लिए पैसे तो होने ही चाहिए, जाहिर सी बात है, बट आप कम अमाउंट में कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है लोगों का कि कपड़ों की बात की जाए तो इसमें हजारों चीजें होती है, हम किस ड्रेसेस का बिजनेस कर सकते हैं। देखिए मेरा मानना है कि आप साड़ी सूट लेडीज को जो पसंद होता है उसका बिजनेस बहुत ज्यादा इजी होता है। एक तो इनकी डिमांड ज्यादा होती है, शादियां त्योहारों लेन देन ये सब चीजें करनी होती हैं, इस तरीके की बहुत सारे ओकेशंस होते हैं जिसमें लेडीज को जरूरत पड़ती ही पड़ती है, और इसमें आपको बहुत ही कम पैसे लगा करके काफी अच्छा खासा प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। जब भी मैं वीडियो डालती हूँ अजमेरा फैशन की तो काफी लोग पूछते हैं मेरे से कि पैसे की कितने पैसे में हम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा आप पैसे करके बिजनेस करें तो ही आपका होगा, नहीं, आप कम से कम पैसे में भी अपना बिजनेस कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 25,000 अगर आपके पास है ना, देखिए इतने कम में आजकल बिजनेस नहीं स्टार्ट हो पाता है, लेकिन अजमेरा फैशन से जुड़ करके आप इतने कम में बिजनेस अपना स्टार्ट कर सकते हैं। लेडीजें जो होती हैं वो घर से नहीं निकल पाती हैं, ठीक है ना, और फिर वो सोचती हैं, मेरी वीडियो देखने के बाद कमेंट भी करती हैं कि हाँ दीदी हम तो नहीं जा पाएंगे, हमारे घर वाले अलाउ नहीं करेंगे, लेकिन हम जाना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है, डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल है, तो वहां पे आप कॉल करके अपना व्हाट्सएप कॉल के थ्रू फोटोज मंगा सकते हैं, वीडियो कॉल के थ्रू देख सकते हैं, क्वालिटी के बारे में वो आपको अच्छे से गाइड करेंगे और आपको सारी चीजों के बारे में नॉलेज भी दे देंगे, तो आप घर पे ही बैठे बैठे अपना सारा भी जो आप चूज करेंगे उसको मंगा सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप विजिट ही करें तभी आपका काम होगा, आप बिना विजिट किए भी स्क्रीन पे नंबर आ रहा है वहां से बात करके सारे अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि दीदी आजकल ठगी बहुत ज्यादा होती है, तो देखिए ठगी तो हर जगह पे भी बहुत ज्यादा होती है, दिखाते कुछ है और भेज कुछ और देते हैं, लेकिन कुछ लोग ईमानदार भी हैं जैसे कि अजमेरा फैशन। अगर मैं अजमेरा फैशन की बात करूं तो ये अपनी ईमानदारी के लिए भी जाना जाता है, आपने देखा होगा कि काफी सारे अवार्ड्स इनको मिले हैं, इनके यहाँ काफी सारे एक्ट्रेसेस ने विजिट भी किया है। जब मैं गई थी तो मैंने वहां पे आप लोग को लाइव भी दिखाया था कि कितने सारे अवार्ड्स भी मिले हैं, क्यों, क्योंकि ये सबसे ज्यादा ट्रस्टेड टेक्सटाइल मार्केट है। कुछ लोग ये पूछते हैं कि क्या हम अपने चॉइस के अकॉर्डिंग भी ड्रेसेस या साड़ियां बनवा सकते हैं, तो हाँ आप बनवा सकते हैं, लेकिन हाँ ये है कि आप सिंगल पीस नहीं बनवा सकते, आपको 500 पीस का देना होता है ऑर्डर तभी आप बनवा सकते हैं। आपने देखा होगा कि जब हम शोरूम में जाते हैं तो जो भी ड्रेसेस हम वहां पे देखते हैं तो कितना सारा हाई होता है उसका प्राइस, लेकिन घर बैठे अगर आप बिजनेस करते हैं और घर से अपनी चीजों को सेल करते हैं तो आपको 25 से लेकर के 30% तक का बेनिफिट होगा। साड़ियां यहाँ पे कितने रेट से स्टार्ट होती है मैं भी आपको बता दूं, 45 रुपीज से स्टार्ट होती हैं और कुछ साड़ियां जैसे कि 100 रुपीज का लेकर के आए हैं, कुछ साड़ी अगर आप लेकर के आए तो आप उस पे 25, 30, 40 ऐसे रख करके आप मार्जिन करके सेल कर सकते हैं कि सामने वाले को भी प्रॉब्लम ना हो और आपका भी बेनिफिट हो जाए। क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और ये क्वालिटी के लिए ही जाने जाते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे साड़ियों का रेट जो है 45 रुपीज से स्टार्ट होता है और 4,000 तक जाता है। और कुछ लोग पूछते हैं कि अगर हम मान लीजिए वहां से हम कुछ मंगवाते हैं और हमें पसंद नहीं आता, कुछ उसमें प्रॉब्लम होती है, तो क्या हम उसे रिटर्न कर सकते हैं, तो जी हाँ आप रिटर्न कर सकते हैं। और एक चीज और कि अजमेरा फैशन में क्या क्या मिल सकता है, तो यहाँ पे हर तरीके की रेंज आपको मिल जाएंगे, किड्स वेयर, मेन्स वेयर, लेडी वेयर, साड़ी, लहंगा, कुर्ती, जो भी आपको चाहिए वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए अगर आपने मन में ठान लिया कि आपको काम करना है तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता, आपके दोस्त और आपके दुश्मन आप खुद ही होते हैं, आपको खुद ही डिसाइड करना होता है कि आपको क्या करना है, तो ये फैसला अब आपके हाथ में है। अगर आप घर से कुछ करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, नंबर शो हो रहा है यहाँ पे, कॉल करके आप सारे डिटेल ले सकते हैं। और अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, अगर आप लोग नहीं करना चाहते तो हो सकता है आपके आसपास आपके रिलेटिव्स आपके फ्रेंड्स में से कोई ऐसा हो जो करना चाहे, तो वीडियो सभी को शेयर कीजिएगा, यहाँ पे आप कॉल करेंगे ना तो सीरियसली आपकी सारी हेल्प होगी, ठीक है, अगर नहीं होती तो मुझे बताइए। और अपना ध्यान रखिएगा, वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, एक लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।